वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम मोदी ने प्रज्वलित की स्वर्णिम विजय मशाल। हर 5 से 4 पाकिस्तानी मनाते हैं कि गलत दिशा में जा रहा है उनका देश। इक्विटी सेविंग फंड्स ने निवेशकों को किया मालामाल। जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर दिख रहा उत्साह। तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने हुआ 1.5 महीने के लिए टीम से बाहर। ग्यारह साल की अलीना पटेल ने 50 लाख रुपए के सवाल पर किया कुड। आज से खुल रहे हैं झारखंड में स्कूल, 10वीं और 12वीं के छात्रों की अनुमति। ईएसआईसी लाभार्थी का निजी अस्पताल में भी हो सकता है इलाज। तमिलनाडु की इस लड़की ने 58 मिनट में बनाए 46 व्यंजन। केरल निकाय चुनाव के नतीजे आज। बीएसएनएल का नया प्रीपेड प्लान हुआ लॉन्च, रोज मिलेगा 2 GB डाटा। लोगों में कोरोना का डर खत्म, लेकिन अभी भी वैक्सीन आने का इंतजार। चौबीस घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले, 33,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया वाईफाई कॉलिंग फीचर्स। छुट्टियों में चिल करने अब मानुषी छिल्लर पहुंची मालदीव्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे। निर्यात नवंबर महीने में 8.74% घटा, व्यापार घाटा कम होकर 9.87 अरब डॉलर पर आया। केंद्रीय मंत्रिमंडल 3,600 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात सब्सिडी पर कर सकता है विचार। सुभाष चंद्र बोस की किताबों को फिर छापने पर विचार कर रही है सरकार। भारत अगले 5 साल में करेगा 100 करोड़ मोबाइल और 5 करोड़ लैपटॉप का उत्पादन। आंध्र प्रदेश सरकार ने करीब 10 लाख किसानों को दी 12 करोड़ रुपए की मदद। नेपाल के पीएम ओली ने संवैधानिक परिषद अध्यादेश पेश किया। अमेरिका में जल्द मिल सकती है मॉडर्ना की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 2021 5 जून से शुरू होगी सीएस फाउंडेशन परीक्षा। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 145 पद के लिए हो सकती है आयोजित।